देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसी में वैक्यूम क्या होता है और वैक्यूम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, गैस चार्जिंग कैसे कहते हैं और कैसे गैस चार्जिंग इसमें होता है। तो देखिए वैक्यूम करने के लिए एक होता है कंपाउंड गेज, एक होता है वैक्यूम गेज। हम चाहे कंपाउंड गेज लें चाहे वैक्यूम गेज लें, दोनों से हो जाएगा। और उसके लिए एक सर्विस कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है। सर्विस कंप्रेसर मतलब हो गया एक कंप्रेसर जो है हमें लेके जाना पड़ेगा एसी या फ्रिज बनाने के लिए, क्योंकि प्रेशर चढ़ाना होता है तब भी हमारा क्या होता है अदर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, वैक्यूम करना होता है तब भी अदर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या है, एक अदर कंप्रेसर सर्विस कंप्रेसर और क्या है हमारा कंपाउंड गेज और सर्विस जो है कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है। हम क्या करेंगे इसमें लीकेज वगैरह कुछ नहीं, क्यों लीकेज जो था उसको चेक करके बना के ख़त्म कर दिया गया है। इसमें क्या करना है गैस चार्जिंग करना है। गैस चार्जिंग करने से पहले वैक्यूम करना पड़ेगा। अब वैक्यूम करने के लिए क्या होगा कि जो मीटर के जो सबसे नीचे वाली पाइप है जो मीटर से सीधा कनेक्ट रहती है इस पाइप को हम जोड़ेंगे गैस चार्जिंग पाइप पे, और जो सामने वाली पाइप है जो इससे कंट्रोल होगा इस वाल्व से, इस वाल्व को तो हम टाइट करेंगे तो ये इसका कनेक्शन बंद हो जाएगा और ढीला कर देंगे तो खुल जाएगा। उसको क्या करेंगे अदर कंप्रेसर के सक्शन लाइन से। वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम किस लिए किया जाता है, देखिए वैक्यूम में होता है जितना सिस्टम में बाहरी वातावरण की हवा है उसको खींचा जाता है वैक्यूम में। अब बाहरी हवा जो खींच के बाहर निकाल दिया जाएगा तो हम कहेंगे इसका वैक्यूम हो चुका है। अब बाहरी हवा क्यों निकाला जाता है, बाहरी हवा इसलिए निकाली जाती है तो इसके अंदर फ्रियान चार्ज किए हैं और वातावरण की बाहरी हवा दोनों आपस में टकराएगी तो सिस्टम हमारा चोक हो जाएगा, और चोक हो जाएगा इस चोक को हम कहते हैं मास्टर चोक हो गया, अर्थात जहाँ चोक होगा वहाँ पर बर्फ जम जाएगा, गैस हमारा आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम वैक्यूम करते हैं बाहरी हवा जो है पाइप के अंदर उसको निकालने की विधि को वैक्यूम विधि कहते हैं। अब देखिए वैक्यूम करने के लिए क्या होगा, अब इसको कनेक्ट करने के बाद में कंप्रेसर को ऑन करेंगे अदर वाले कंप्रेसर को, और ये कंप्रेसर को ऑन नहीं करना ये आप ही रहेगा। तो इसको ऑन करेंगे तो कंप्रेसर का काम क्या है, सक्शन पाइप से गैस को खींचना, डिस्चार्ज पाइप से गैस को बाहर करना, तो ये गैस को खींचेगी। अब गैस को इस तरफ से खींचेगी, ये वाल्व हमारा खुला रहेगा, अब खुला रहेगा तब इसका कनेक्शन इसे खुला रहेगा, ये खुलेगा तभी हट जाएगा और इसका कनेक्शन खुल जाएगा, और हमारा क्या होगा इस तरफ से गैस हमारा इस तरफ जाएगा और कंप्रेसर खींच के जो है इसे बाहर फेंकता रहेगा। जितना बाहरी वातावरण की गैस है कोई भी गैस है पूरा खींच के क्या करेगा हमारा पूरा अदर कंप्रेसर बाहर करता चला जाएगा, और इसमें सुई हमारी दिखाएगी कितना इसमें गया है। अब देखिए अगर पूरा हमारा वैक्यूम हो जाएगा तो -30 पे पहुंच जाएगी, अगर ऑप्शन उसमें -30 तक अगर हुआ है तो -20 है तो -20 पहुंच जाएगी। हमें क्या करना है फुल वैक्यूम करना है, -30 तक सुई पहुंचानी है। -30 तक अगर सुई पहुंच जाती है तो फिर क्या करेंगे हम इस वाल्व को इसे बंद कर देंगे यहाँ से। अब कंप्रेसर अगर बहुत खींचे तो क्या होगा, ये वाल्व बंद है तो इससे क्या होगा कंप्रेसर हमारा गैस अब नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इस क्या क्या पूरा वैक्यूम हो चुका है, इसमें कुछ भी गैस नहीं है। तो क्या करेंगे वाल्व खोल के हटा देंगे कंप्रेसर, ये वाल्व बंद है यहाँ से, तो माइनस पे सी हमारी सुई जो है रुकी रहेगी। अब इसके बाद होगा हमारा गैस चार्जिंग। अब देखिए जो हमारे सिस्टम में बाहरी वातावरण की हवा थी ये पूरा निकल गया है, सुई हमारी माइनस में है, वाल्व यहाँ पर बंद है। अब हम क्या करेंगे जो R22 देखिए, अब R22 कैसे पड़ता है, कंप्रेसर में लिखा हुआ है R22, इसमें जो हमारा चार्ट में है डिटेल्स में दिया रहेगा रेफ्रिजरेंट 22, अर्थात 22 पड़ेगा ग्राम दिया होगा कितना ग्राम पड़ता है, जिससे मान लीजिए 1030 ग्राम मान लीजिए दिया हुआ है, 1030 ग्राम एम्पियर जो इसका हो गया 10 एम्पियर दिया हुआ है। चार्ट में हमें जो है 3 चीज़ देखना है, कौन सा गैस पड़ेगा और गैस पड़ेगा तो कौन कितना गैस पड़ेगा, देखिए R22 पड़ेगा 130 ग्राम पड़ेगा और एम्पियर जो लेके चलेगा 10 एम्पियर लेके चलेगा। देखिए यहाँ से सप्लाई इसमें कनेक्ट रहती है, इसमें एम्पियर मीटर लगाएंगे। अच्छा देखिए 10 एम्पियर क्या हो रहा, तब इसमें गैस होगा सिस्टम में, तब सिस्टम में गैस होगा तो 10 एम्पियर लेके चलेगा, और सिस्टम में गैस नहीं है तो 10 एम्पियर लेके नहीं चल रहा। अरे खाली सिस्टम में अगर चला के देखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम 8 एम्पियर या 9 एम्पियर लेके चलेगा। अब देखिए इसमें जो एम्पियर लगा के हम पहले चेक किए थे तो 9 एम्पियर दिखा रहा है, 9 एम्पियर 0, अर्थात ये क्या इसमें गैस कम है या ख़त्म है, तो इसमें गैस चार्ज करेंगे। देखिए R22 केन लाएंगे, अब 1 लीटर का केन लाया जाएगा क्योंकि इसमें 1 लीटर पड़ेगा। इसमें वाल्व दिया हुआ है, अब एक चार्जिंग लाइन की सहायता से इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब देखिए जब पाइप को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया जा रहा है तो इस पाइप में भी कुछ वातावरण की हवा घुस गई है, अब इस वातावरण की हवा को कैसे निकाला जाएगा, देखिए ये वाल्व भी यहाँ से बंद है, गैस अंदर नहीं जाएगा,
क्या करेंगे, इस वाल्व को खोलेंगे एक या दो सेकंड के लिए। अब एक या दो सेकंड के लिए खोला गया तो आर जो 22 है रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर गैस 22 भरा हुआ है नंबर का, तो ये देखिए गैस इस तरह आएगा। ये गैस भारी होता है, वातावरण की गैस हल्की, तो वातावरण की गैस हमारी यहाँ पर पूरे पहुँच जाएगी और फ्रियान हमारा इसके पीछे रहेगा। अभी धकेल रहा है पर क्या आगे रास्ता बंद है, निकल नहीं पाएगा। तो चूड़ी जो है इसकी चूड़ी को थोड़ा सा ढीला करेंगे, अब जो फ्रियान हमारा पीछे से जो कि प्रेशर दे रहा है, अब वातावरण की गैस हमारी निकल जाएगी, चूड़ी अगर ढीला करेंगे हमारा फ्रियान भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा फ्रियान निकलेगा उससे कोई मतलब है नहीं। अब क्या हो गया, पाइप पूरा खाली हो गई है, अर्थात पाइप का भी वैक्यूम हो चुका है। वैक्यूम मतलब क्या, पाइप के अंदर भी क्या है, वातावरण की गैस अब नहीं रह गई है, पूरा सिस्टम क्या हो गया हमारा साफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए अभी ये वाला वाल्व बंद है, -30 पे शुरू की है, इसमें हम गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करते समय में देखिए जो इस पर जो सुई है अभी 30 पे है, मतलब 1 पाउंड पे जाएगी, तो 1 पाउंड जो बराबर होता है 10 ग्राम होता है। तो हमें कितना 1 किलो डालना है, अर्थात कि 1000 ग्राम डालना है, तो देखिए 100 पे सुई जाएगी इसमें, और एम्पियर हमारा क्या 10 एम्पियर होना चाहिए, जो 9 एम्पियर है 10 एम्पियर होना चाहिए। दो चीज़ देखना, कितना ग्राम गैस गया है, कितना एम्पियर गया है। यहाँ से हम वाल्व को ढीला करेंगे, वाल्व को तो ढीला करेंगे गैस हमारा निकल के यहाँ पे आएगा, पूरे पाइप में यहाँ चला जाएगा। अब देखिए गैस पाइप में पूरा भरा हुआ है, आगे नहीं गया क्योंकि वाल्व या क्या है बंद है वाल्व। अब पूरा खोलने के बाद में तो हमें लगे हाँ कि पाइप भर गई, तो इस वाल्व को बंद कर दीजिए। वाल्व को बंद करने के बाद में इस वाल्व को खोल दीजिए। अब मारे में सुई थी, अभी क्या होगा, तब गैस अंदर जाएगा तो सुई क्या ऊपर की तरफ उठेगी। अब जितना पाइप में गैस होता है हमारे सिस्टम में चला जाएगा। और कंप्रेसर ये वाला देखिए अभी ऑफ ही है, इसको ऑन नहीं किया गया है। अब ये जो पूरा गैस है हमारा कहाँ चला गया, कंप्रेसर में सिस्टम में चला गया। अब सुई क्या ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, 40 उठेगी, 50 उठेगी, 60 उठेगी। अब 50-60 पे सुई जाएगी, देखिए अब सुई जाएगी 50-60 पे, तो क्या है वहीं पर रुक नहीं जाएगी, फिर से वापस आएगी। अब वापस आएगी तो हो सकता है कि 20 पे जाए, हो सकता है -10 पे जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस है हमारा यहाँ की जो इतना रिक्त स्थान था उतना भर गया, देखिए -0 पे आ गया। जो सुई है ये 0 पे, अर्थात जितना इसमें खाली स्थान का गैस निकाला गया था उतना गैस इसमें चला गया। अब क्या करेंगे कि इस कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। देखिए जो गैस है हमारा इसके और सिस्टम में कंप्रेसर में आ गया है, अब कंप्रेसर में तो हमारा गैस आ गया है, तो गैस को आगे भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब पूरा भर देंगे तब ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जबरदस्ती खिला दो खिलाने के बाद में एक बैग कहाँ चल पाएगा, लोड पड़ जाएगा। तो इसको क्या करो, अब इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद में जितना इसमें गैस रहेगा वो आगे फेंक देगा। अब क्या है, इसको चलने दो, 1 मिनट 2 मिनट, ये एम्पियर हमारा कुछ बढ़ेगा। जैसे कि 00 लगा हुआ है, अब 0 मान लीजिए 9.1 हो गया। इसमें क्या करना है, फिर से गैस इस पर सुई जो 0 पे, अर्थात अभी गैस कुछ नहीं, मान लीजिए कि 5 ग्राम या 10 ग्राम गैस गया है। अब क्या करेंगे, कंप्रेसर को इसको चलते रहना है और इसको फिर से ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद में इसको फिर से हैंडल को खोलेंगे, फिर से गैस हमारा आएगा, ये पूरी पाइप भर जाएगी। उसके बाद में यहाँ से ऑफ करने के बाद में फिर से यहाँ से खोला जाएगा हैंडल। अब यहाँ से खोला जाएगा तो फिर से इसमें गैस जाएगा, फिर कंप्रेसर ऑन ही रहेगा। फिर देखिए सुई क्या है, ऊपर की तरफ उठेगी। अब ऊपर की तरफ उठेगी, एक बैग जाएगी हमारा 100 पे 150 पे जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। अब देखिए मान लीजिए अब की बार वापस 30 पे है, अब की बार वापस आके 30 पे रुक गई, अर्थात 30 एक पाउंड बराबर बताया था 10 ग्राम होता, 30 पाउंड बराबर कितना हो गया। अब देखिए अब की बार जो एम्पियर है हमारा ये हो गया 9.5 हो गया। अब देखिए जो 5 है 10 होगा तब हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। और देखिए हमें 100 पाउंड भरना है, अभी 30 पाउंड इसमें गया है, इसका मतलब कि अभी सिस्टम चलते रहना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक चलते रहना चाहिए। देखेंगे थोड़ा बहुत कूलिंग होगा क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा बहुत गैस चला गया है। फिर वही प्रक्रिया फिर से करेंगे हम, फिर से इसमें वाल्व को ढक्कन को खोलेंगे, फिर से तब से हमारा गैस आएगा यहाँ से, वो यहाँ से आएगा, फिर इस ढक्कन को खोल देंगे, इस वाल्व को इस वाल्व से खोलेंगे तो फिर हमारा अंदर गैस जाएगा। अब की बार जो हमारा हो गया है 100 पाउंड चला गया है, 100 पाउंड मान लीजिए 110 चला गया है, 110। अब देखिए इसमें 130 ग्राम डालना था, अब कोई ज़रूरी नहीं 130 ही डाल दें, अगर 130 के 1030 डालना था 1000 डाल देंगे तो बीमा सिस्टम क्या चल जाएगा। चलिए ठीक है 110 डाल दिया गया है, 1010 ग्राम हो गया है। इसमें आएगा की बार जो एम्पियर हमारा 10 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर हो गया है। अब तुरंत 10 एम्पियर नहीं चलाया जाएगा, इसमें समय भी ले सकता है, 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले सकता है, क्योंकि धीरे धीरे लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे हमारा पड़ेगा। अब देखिए 10 एम्पियर हो गया। अब जो इसमें देखे चार्ट में देखे थे 1030 ग्राम भी हमने डाल दिए यहाँ तक हो गया, 10-15 ग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया हमारा R22 गैस भी डाला गया है, एम्पियर हमारा पूरा ले रहा है। अब क्या देखेंगे तो एवोपरेटर हमारा ठंडा रहेगा, ठंडा हवा देगा, कंडेंसर जो पिछला हिस्सा है वो गर्म होगा हमारा, और जो 1 लीटर का केन लगे होंगे तो 1 लीटर का केन भी हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से इस वाल्व को खोल के ये सिस्टम निकाल देंगे,
ढक्कन को ऑफ करिए, जो वाल्व को ऑफ करने के बाद, हाँ देखो निकलने के बाद में, अब फिर यहाँ से वाल्व खोल लिया जाएगा। यहाँ से वाल्व खोलने के बाद में इसमें पिन वाल्व लगा है, इसके ऊपर कैप लगा देंगे, बस हो गया हमारे एसी में चार्ज। इसी तरह एसी में गैस चार्ज किया जाता है।